हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक नए वीडियो में ये वीडियो रिकवरी एजेंट हरासमेंट से रिलेटेड है इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि जब रिकवरी एजेंट आपको होम विजिट या लीगल एक्शन की धमकी दे तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों अगर आपका ऑनलाइन लोन चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन से लिया गया लोन हो अगर आपका लोन नाइन्टी डेज़ से ज़्यादा ओवरड्यू हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि आपको रिकवरी एजेंट की तरह तरह की धमकियाँ मिल रही होंगी होम विजिट या लीगल एक्शन ये दोनों ही बहुत ही कॉमन धमकियाँ हैं जो कि एक बोरओवर को कॉल्स और मैसेज के ज़रिए मिलती रहती है तो मैं हर वीडियो में आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है लोन रिपेमेंट को आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप अपना लोन क्लियर करवा दीजिए क्योंकि इससे बेनिफिट आपका ही है दोस्तों अगर आप रिपेमेंट की सिचुएशन में नहीं हो तो जब भी रिकवरी एजेंट आपको होम विज़िट या लीगल एक्शन की इस तरह की बातें करें तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अगर आप घबरा जाते हो डर जाते हो तो रिकवरी एजेंट्स आपको और ज़्यादा डराने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं दोस्तों लगभग लग दो साल पहले रिकवरी एजेंट का जो इस तरह का हरासमेंट होता है मैं भी उसका सामना कर रहा था लेकिन दोस्तों मैं घबराया बिल्कुल भी नहीं मेरे मल्टीपल लोन्स ओवरड्यू थे लेकिन जिस तरह से रिकवरी वाले आपको डराते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों सिर्फ़ एक लोन देने वाले बैंक के पास राइट नहीं होता है आपके पास भी एज ए बोरोवर राइट है अपने आप को हरासमेंट से बचाने का का ये लीगल राइट right होता है कि अपने आप को हरासमेंट से बचाना और ऐसे एजेंट के खिलाफ आप एक्शन भी ले सकते हो और दोस्तों रही बात होम विजिट और लीगल एक्शन की तो लगभग नाइन्टी परसेंट जो एजेंट आपको बोलते हैं सिर्फ डराने के लिए आपको ऐसा बोला जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है लोन का डिफॉल्ट हो जाना या लोन ओवर हो जाना कोई क्राइम नहीं है आई तो आइव दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग